नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। ढंडूर गांव के जो कुछ लोग हैं यहां पर धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं और मामला जो है नशे को लेकर है। गांव के कुछ मजदूर काम करके घर वापस लौट रहे थे तो नशे की हालत में कुछ लोगों ने जो है उन पर जानलेवा हमला किया है। आइए जानते हैं कि क्या है मामला। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम एच एस राजेश है। जी तो सर अभी जो है आप लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया कुछ मजदूरों के ऊपर, तो क्या मामला था सर? कुछ आप जी जो है रंजिश का मामला था? जी कोई रंजिश का मामला नहीं है और ये इन्हीं के साथ नहीं, ये घटना एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। गांव के बाहर जो मेन अड्डा है उसके ऊपर रात के टाइम कोई भी अंधेरा होने के बाद कोई जाने की हिमाकत नहीं करता। एक बात उनको लगता है कि वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई आए दिन गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं हाईवे पे, और आए दिन इस तरह के जो नशे ग्रुप के जो लोग हैं वो वहाँ पूरी तरह से माहौल गांव का ख़राब कर रहे हैं। गांव के लोग फियर में, वेल नोन फियर में जी रहे हैं कि भाई बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई बात हो जाएगी, इसीलिए शाम के टाइम गांव के लोग, कॉमन लोगों के अंदर ये बात है कि भाई घर में रहो, बाहर जाओगे तो कोई ना कोई। आप लोगों ने प्रशासन से कोई शिकायत की है सर इस मामले को लेकर? जी प्रशासन को शिकायत दी है गाँव में, जैसे पुलिस गई थी तो, लेकिन फिर भी उनको वो पुलिस का भी एक वो घमंड है कि हमारी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करना, क्योंकि लगातार लंबे टाइम से चल रहा है और वो सारा आप जानते हैं कि पुलिस प्रशासन भी एक तरह से उसमें देखा जाए तो डायरेक्टली संलिप्त होता है। तो इसके लिए हम बड़े से बड़े अधिकारी से मिलेंगे और इन्हीं बात को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। तो आगे सर अगर जैसे प्रशासन जो है आपकी सुनवाई नहीं करता है तो आप आगे क्या जो है आगे क्या करेंगे? जी मैम, हम इसको एक जन आंदोलन का रूप देंगे और ये जो दिक्कत है कितने ही लोग कितने ही घरों में, हम इसको पर्सनली इस दर्द को फील करते हैं कि पिछले दिनों की, मैं आपको 1.5 महीने पहले की घटना बताता हूँ। मेरे क्लासमेट था एक लड़का और वो इतना अच्छा था, उसके बावजूद उस नशे से इतना ज़्यादा आया घर्षण में उनके साथ मतलब मिला कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और उसके डेथ हो गई 2 महीने पहले ही। इसी तरह से आप हर दूसरे तीसरे घर में जाके देखो, कोई ना कोई नशे में इधर किसी नशा मुक्ति केंद्र में मिलेगा। वो मतलब ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका घर कोई अच्छे से, जिनका कमाई का साधन है, उस बच्चे को बुला के धीरे धीरे पुड़िया खिलाना शुरू कर देते हैं कि देखो तो सही एक बार लेके। उसको जैसे जैसे खिलाएंगे वो तो बच्चा है, फिर 10 दिन 5 दिन होंगे तो उसको कहेंगे भाई कुछ ना कुछ तो पैसे लेके आओ, तो धीरे धीरे उसको मतलब एडिक्टेड कर देते हैं और फिर उसको इस हद तक कर देते हैं कि वो अपने घर के बर्तन भी चक्के बेचना शुरू कर दे और उस माँ बाप को मतलब एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इवन समाज को भी, क्योंकि जब समाज के अंदर नशा फैला हुआ है तो सीधी सी बात है कि गांव के लोग या फिर आसपास के लोग कैसे सुखी अपने आप को फील कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस घटना के आई विटनेस है जिनके साथ ये बात हुई है वो भी यहां पे मौजूद है, उनसे भी आप कुछ बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो मामला है वो क्या है और कैसे शुरू हुआ है? हम हैं मजदूर आदमी गांव के अंदर, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, शाम को आते हैं तो रोड के ऊपर नशेड़ी बंदे हमारे को 20-30 बाइक ले लेके रोक देते हैं, कभी किसी के साथ मारपीट करते हैं, कभी किसी की बाइक खोद लेते हैं, कभी कोई पैसे हो जेब के अंदर वो निकाल देते हैं, हम इनसे मतलब छुटकारा पाना चाहते हैं। कब से जो है सर ये चीज़ें गांव में हो रही हैं? ये काफ़ी टाइम से हो रही हैं जी, कम से कम ये 2.5-3 साल हो गए। तो आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, इससे पहले आप लोगों ने कभी जो प्रशासन से शिकायत वगैरह की है सर? नहीं हमारे साथ मतलब हमारे साथ पहले कोई हादसा नहीं था, पहले और किसी के साथ हुआ, लेकिन हमें अब पता चला कि जब हमारे साथ हादसा हुआ तो हमने हर जगह रिपोर्ट लिखाई है, ये हमारी रिपोर्ट पड़ी है सामने। इन चीज़ों में सर कौन कौन आप मानते हो कि कौन कौन लोग इन चीज़ों में शामिल हैं? ये भी उनका तो मेरे को पता नहीं, गाँव के जो मेन मुखिया होते हैं वही होते हैं, लेकिन नीचे तो उनके थोड़े छोटे मोटे चमचे होते हैं जी, जो मतलब अपने एक है मैन लड़का जो गांव के अंदर जो सबको नशा सिखाता है, पता नहीं नशा कहाँ से लाता है, लेकिन उसका नाम है अजय होमगार्ड, ये सबको नशा सिखा रहा फिलहाल अब। तो इस मामले को लेके आप लोग इकट्ठा होके मुखिया के पास गए हैं सर? मुखिया के पास नहीं गए जी हम, कि मुखिया कोई काम ही नहीं करता, उसके पास जाके करेंगे क्या हम? तो आज लग तो हमारा 3-4 साल हो गए मुखिया बने, आज लग तो कुछ काम नहीं किया उन्हें, तो अब क्या करेगा वो? अभी जो सर एक मामला तो है, अभी जैसे आपने नशे के बारे में बताया, इसके अलावा सर और आपको गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं जो मुखिया ने अभी तक पूरी नहीं की? क्यों बिजली की दिक्कत,
और क्या लगे जिस चीज़ की हमारे को जो सरकार की तरफ से मिलती है, पानी की दिक्कत, अगर हमारे को कोई लड़ाई झगड़ा हो जाती है पुलिस को बुलाते हैं तो आती है वो 4-5 घंटों के बाद, एम्बुलेंस को बुलाते हैं वो आती है 4-5 घंटों के बाद, हर चीज़ की दिक्कत हमारे गाँव के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो गाँव में एक नेक्सेस है, साठगांठ है हर स्तर पर उनकी, चाहे आप मेडिकल फैसिलिटी को ले लीजिए, चाहे आप पानी की जो जहाँ से बूस्टिंग स्टेशन है वहाँ से बात ले लीजिए, तो वो कुछ ऐसे लोगों का एक मतलब ग्रुप, हम कहेंगे ग्रुप ऑफ पीपल, जो इस तरह के काम को कर रहा है। और इसमें सरपंच का एक फ़ायदा ये है कि वो कोई भी जो मामला है वो गांव के स्तर पे सुलझाने में खुश नहीं है, उसको ये लग रहता है कि भाई ये जब थाने में जाएंगे तो ही मेरी कमाई होगी। अब तो बल्कि ओपन में भी ये बात आ चुकी है कि दो लोगों का, गरीब लोगों का झगड़ा हो, शराब पे हो, चाहे घरों का आपसी मामला हो, वो जब थाने में जाएंगे तो उनसे थाने से आगे बात करके कुछ ना कुछ मतलब लेन देन उनकी होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिजली का जो संकट है वो गाँव में है, और पानी की जहाँ तक बात करें, बूस्टिंग स्टेशन पे आए दिन कोई ना कोई झगड़ा रहता है, टाइम पानी छोड़ने का कोई टाइम नहीं है, और राशन जहाँ से मिलता है वहाँ खुद उनकी सेटिंग, वहाँ उनके जो चमचे हैं वो पपे टाइप के लोग बैठे मिलेंगे, और वो इधर से उधर कागजी कार्रवाई जो गाँव को पता नहीं होता वो करके मतलब हर लेवल पर वो आदमी का खून पसीने की गाड़ी कमाई को चूसना चाहते हैं, उनका कारोबार है। दिस इज अ नेक्सस, वी विल हैव टू फाइट अगेंस्ट देम। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर अभी जो ये रिपोर्ट के बारे में बात हुई है, उस रिपोर्ट में क्या है सर ऐसा? उसमें जी पूरी सच्चाई यही है, ये जो आज का वर्तमान का मनोज शर्मा सरपंच है, ये हमारा भाई है, मौसी का लड़का है, लेकिन हमने इसको सरपंच बनाया गांव के भलाई के लिए, इसने सब उल्टे काम कर दिए और ये पैसा कमा के करोड़पति बनना चाहता है, बहुत बड़ा जो इसने हालात पैदा कर दिए, ना तो ये समझौता करने के लायक बनया, किसी का भी लड़ाई झगड़ा करा देता है, थाना में जाके समझौता कराओ, वहाँ पर पैसे का मोहताल होता है। ये हालात बहुत ख़राब कर दिए गांव में, इतना नशा है, जितने जवान मर चुके हैं और रोज की मरण लग रही। तो सरपंच के साथ सर आप किस किस को शामिल मानते हैं इस रंजिश में? सरपंच में सरपंच का इसने सरपंच नहीं सारा चला रखा जी, जो बड़े बड़े हैं जो अपने गाँव के जो मुखिया हैं उनको सारों को उन्होंने आपकी टोल में शामिल कर लिया है और एक लूट तंत्र तैयार कर दिया है, जो कमेरा वर्ग को तो उठने नहीं दे रहा, आने नहीं दे रहा, रोक रहा है उनको, रात दिन को धमका रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं उनको, मार रहे हैं, देख हालात क्या हो रहे हैं, देख हमारे ये देखो हैं, इनको परसों रात को कूटा गया, बताओ 40-40 छोरे बुला लेता है जो नशा का व्यापार करते हैं, नशा करते हैं, खुले हम उड़दंग बताते हैं, हैं आना जाना खूब बुरा हाल हो गया ग्रामीणों का, बाहर निकलना भीतर बढ़ना, सुबह जाते हैं काम पे सामने आते हैं, खतरा होता है। तो मैं कैमरामैन से एक बार आग्रह करना चाहूँगी कि एक बार दिखाएं कि जिन्हें कल रात को पीटा गया था, उन व्यक्ति से मैं बात करना चाहूँगी। नमस्कार। हमारे लड़के 3-4 दफ़ा उन्होंने हेर लिए जी रास्ते के अंदर बदमाशों ने, नशे वालों ने। किस टाइम की बात है सर? और ये होगी जी 12-1 बजे की बात, रात को 12 बजे की या दिन में 11 बजे की बात है, दिन को भी खड़े हो सकते हैं जी जाके, 12 बजे भी हो सकते हैं, उनको धमकियां देते हैं, कहते हैं तुम्हारे को जान से मारने की, भाई जान से मार देंगे। किस बारे में, क्यों वो लोग आप लोगों को मारना चाहते हैं, क्यों वो लोग आपको? उनके साथ हमारी कोई बहसबाजी भी नहीं है और फिर भी हमारे लड़कों को मारने की धमकियां देते हैं, तुम्हारे को मार दूंगा, भाई तुम यहाँ काम करने के लिए आते हो ना, और हमने एक लड़के को मारा है, हमारे लड़कों ने ये कहा कि भाई तने मार दिया, गांव वाला था, तो हमारे को क्या बता रहा है तू, इन्होंने इस बात पे इनके साथ भी बहसबाजी कर ली है। तो किसी ने सर छुड़ाने की कोशिश नहीं की आपको वहाँ? और हमारे घर खबर आई, हम गए तो जाके कुवाड़ियाँ चल रही थी हमारे बच्चे के मारने के लिए, हमने कुवाड़ी भी खोस रखी है और हमारे मौके पे पड़ी भी है वो। छुड़ाने की कोशिश नहीं की सर किसी ने आपको? वहाँ पे बहुत दुनिया खड़ी थी जी, नाम किस किस का तो पता ही है आपको, बहुत पब्लिक खड़ी थी। थैंक यू सर। सर आप इस मामले को लेके क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि युवाओं को बचाने के लिए जो आपने इस नशे के खिलाफ इस मुहिम में हमारी आवाज़ को आवाज़ समझा है। गांव डंडूर बीड़ में आज अगर सदर थाना हिसार के अंदर हमारे गांव के क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारे गांव के दर्जनों भर लोग युवा नशे के व्यापार में सलाखों के पीछे हैं,
और इसका जो मुख्य सरगना है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति ने गांव में जाल बिछा रखे है कि ड्रग्स, कोकीन, समेक, सुल्फा, गांजा की गांव में ऐसा घर अछूता कोई नहीं बचा जिनके बच्चे नशे की चपेट में ना आए हों। ये जो समगलर, जो नशे वाले लोग हैं, इन लोगों ने एक जाल बिछा रखा है और इन लोगों ने हर युवा के हाथ तक नशा पहुंचा दिया। इसके अंदर सबसे बड़ा जो युवा पंचायत वर्ष 2016 में बनी थी, उन्होंने फर्स्ट प्रस्ताव में ये लिखा था कि हम नशे के खिलाफ इस गांव में आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उनकी सिर्फ ये बात उन लोगों ने किताबी कार्रवाई में लिख कर छोड़ दी। बाकी उन लोगों ने नशे के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई, क्योंकि वो लोग इस नशे में खुद स्लिम्पित है, क्योंकि वो लोग खुद करोड़पति बनना चाहते हैं। इन गरीब लोगों के जो युवा है, शक्ति है, उनको शिक्षा की ओर ना जाने की बजाय उन लोगों को इस दिशा में भेज दिया गया कि वो नशे से टूट जाएं। आज ऐसी हालात है गांव में कि नशे के कारण जो युवा है वो कहीं गलियों में भटक रहा है, कहीं वो चुराहे पे बैठा है, कहीं वो जंगल में बैठा है। बुरा हालात है। और ये नशा के जो सरगाने हैं, इन लोगों ने दर्जनों भर से अधिक लोग सलाखों के पीछे भेज दिए और उन लोगों के घर बेघर हो गए। आपने ये जो सर, सबसे पहले तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपने ये कहा कि जो कुछ लोग जो है नशे की वजह से सलाखों के पीछे हैं, वो लोग कौन हैं सर? और जो आप मेन जो व्यक्ति आप बता रहे हैं इसके पीछे, किसका हाथ है सर? जो गांव के नशे के अंदर जो लोग जेल में गए हैं युवा साथी, वो गांव के ही गरीब परिवार के ही लोग हैं। उनको मीठा लालच देकर पैसे का, रुपए का, नौकरी का, चाकरी का, क्योंकि इस इलाके का सबसे बड़ा जो मनोज कुमार है सरपंच, वो कहता है मेरी बहुत बड़े मंत्रियों से सेटिंग है, कभी किसी युवा को लालच दे देता है, कभी किसी। अभी हाल में पीछे 6-7 महीने पहले हमारे गांव के दो लड़के जो है गुवाहाटी में पकड़े गए, जिसके अंदर गांजा गाड़ी के अंदर लोड हुआ। आज तक उन लड़कों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनके पीछे जो नशा मंगाने वाला व्यक्ति है उसका नाम आज तक नहीं आया, क्योंकि ये लोग जो है ना उनके परिवार को मारने की धमकी और दबा देते हैं। अभी तक मुख्य जो सरगाना है वो पकड़ में नहीं आया। हमारी आवाज़ भी है, जो इस गांव में जहर नशा फैला रहे हैं उसको पकड़ा जाए, उसकी जड़ तक पकड़ा जाए। इन गरीब आदमियों को जो नशे के व्यापार में धकेल रहा है और नशे का आदि बना रहे हैं, उसकी जड़ को पकड़ने के लिए हमने ये संगठन तैयार किया है। उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए हमने ये आवाज़ बुलंद की है जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने जो है नशे के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन शुरू किया है। यहाँ पे जो है अगर देश का युवा नशे की ओर जा रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि वो नशे बाहर निकाले। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।